आजकल एक गाना जो लोगों की जुबान और यूट्यूब दोनों पे चढ़ा हुआ है वो गाना है फिलहाल का, जिसे फिल्माया गया है अक्षय कुमार और नूपुर सैनन पर। गीतकार हैं जानी और सिंगर हैं बी प्राक। तो आइए देखते हैं पूरी टीम का शॉर्ट इंटरव्यू। 9 करोड़ के करीब व्यू पाने वाले इस सॉन्ग की टीम का दर्शकों के लिए क्या कहना है? इट्स रियली ओवरवेलमिंग एंड आई थिंक हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है एंड इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली गाया है, सो वी एक्सपेक्टेड लव, बट इतना सारा प्यार मिलेगा इतनी जल्दी वो भी, आई थिंक इट्स नॉट इवन 5 days राइट नाउ एंड वी हैव रीच्ड 81 million, दैट इज आई कांट इवन एक्सप्रेस। ओके, किस तरीके का रिस्पांस आप सबको मिला अगर आपकी अगर सबको मतलब कि ऐसा मतलब कि हमारे मैसेजेस भरे पड़े हैं और टिकटॉक की इतनी वीडियोस हैं और हर प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 है इस टाइम फिलहाल और इतना लोग प्यार कर रहे हैं, मैंने मतलब कि सच्ची हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बट बहुत बढ़िया हो रहा है। जो मुझे टच किया हो कॉम्प्लीमेंट, ऑनेस्टली दिस इज माई फर्स्ट एक्टिंग एवर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्टेड, सो एज एन एक्टर I was waiting for appreciation for how my performance is and how people, if people are liking it or not. So the only compliment, the best compliment for me was that everybody said that aap Akshay sir ke saath the and first time aap kaam kar rahe the and they felt that it was real, it was organic. Like that's according to me, that's the purest compliment. What was the बहुत कुछ, आई थिंक मुझे और शूट करना है उनके साथ टू कीप लर्निंग एंड टू कीप ग्रोइंग, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आई थिंक हीज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज लाइफ स्टाइल, दो ही इज़ वेरी पंक्चुअल, सुबह 4 बजे शूट स्टार्ट हो जाता था, सुबह के 4 बजे शूट डॉट स्टार्ट हो जाता था एंड वो मुझसे पहले सेट पे होते थे, तो मुझे ना 2nd डे से जल्दी होती थी कि मैं पहले पहुँच जाऊँ भाग के सेट पे एंड I like the fact that वो vanity van जाते ही नहीं है, once he's on the set, he's always interacting with the crew, with the cast, everybody, like he's there in the entire moment, he doesn't go back to his vanity. And what I learned the most from him was that he told me कि just be in the moment यार, like don't think so much, don't just think कि आसपास कोई नहीं है, and just be here, just be in the moment. And he didn't used to like he used to guide me wherever I needed him to guide me, but बहुत free flowing था, like उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे नहीं रोका या कुछ बोला कि ये मत करना या ये मत करना मैं ऐसे करूँगा. I think he was the one who was mostly telling me because he knew that I was the new one, so he was like तू जो करेगी I'll take it and I'll receive it and I'll give it back to you, so that was the most beautiful part. Noor, what was the reaction of Priti? On watching the video. Yeah, on watching on everything, on shooting with Akshay, because she's also done films with him. So Kriti has a habit of like कुछ पॉजिटिव भी बोलती है मुझे, तो बिकॉज शी इज़ वेरी प्रोटेक्टिव एंड शी इज़ ऑल्सो लाइक माई छोटी मम्मी, सो शी हैज़ दिस टेंडेंसी कि कुछ ना कॉम्प्लीमेंट के बीच में भी एक स्लिप इन कर देती है नेगेटिव कि आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना. बट सो आई वॉज वेरी स्कैड, मैं आई डेंट कॉन्टैक्ट हर आफ्टर माई वीडियो, आई थॉट कि खुद ही करेगी जो करेगी, बिकॉज शी इज़ शूटिंग इन मंडावा राइट नाउ, सो शी सेंट मी अ लॉन्ग टेक्स्ट ऑन माई फोन and there was nothing wrong in it, nothing negative in it, and she just said that I loved it noobs and she was like I'm so proud of you and that's it. I was really happy. Okay, Prakash, this is your second collaboration with Baji after Kesari, so aisa kai logo ka ye comment pe tha ki aisa lagta Akshay Kumar ki awaaz hai ye, so what do you want to say about the response that you got? Matlab bahut acha jo hota na playback singing ka, jo jitna thanks kare Akshay Baji ka pehle to wo kam hai okay, aur Nupur ji ka bhi, aur अक्षय भाजी के मतलब क्या हमने ऐसा रिस्पांस हमें आज तक नहीं पता लगा कि उन्होंने हमारे साथ गाना क्यों किया, हमें आज तक नहीं समझ आया ये बात, हम पूछते भी उनसे कि सर आपने क्यों किया, कहते नहीं बस बाद में बताएंगे, तो हमें नहीं पता लगा कि अक्षय भाई ने हमारे साथ गाना क्यों किया, बट इतना सपोर्ट किया उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते थे.
Lupo, this is me, Nalini from Celeb Studio. Hi. How much and how are you enjoying your new journey of life? Kaisi lag rahi zindagi aapko ab? I think it's only the beginning. It's just been 4 days from the release of Filhal. But Filhal, main ye cheez bahut enjoy kar rahi hu. And I'm just feeling very happy and very blessed that people are liking it so much. And it's, you know, like, I like the fact that people are relating to every, like, the lyrics. Har ek ek cheez pe dhyan ja raha hai logo ka. And they are complimenting every person in the team, which I feel is very important because Filhal wouldn't have been possible agar ek bhi insaan is team mein jo hai wo nahi hota. Prag, aapko aur Jani, aap dono ko lagta hai aapne ek milestone achieve kara hai kyunki aap log Punjab se hain aur kahan Bombay mein aake itna bada naam jo aapne kamaya hai, kabhi socha na apne dream ko lift kare hain? Are, mujhe to abhi bhi yakeen nahi ho raha ki ye kuch ho gaya hai. और हाँ, तो मतलब बड़ी खुशी हो रही है पर यार कि इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज हमने पहले पछताओगे किया था तो हमें ये डर था कि पछताओगे को मतलब ब्रेक करना ही बहुत बड़ी बात थी, तो मुझे लग रहा है कि वो हो गया है थोड़ा सा, तो बहुत खुशी हो रही है. सारी टीम ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था और बहुत खुशी है. दैट्स इट. Honestly, I also have been like flooded with a lot of tweets, and I also read a lot of tweets where they like a lot of people said that ma'am, आपने जो ये 5.5 मिनट में स्टोरी जितनी दिखा दी है वो तो आजकल बहुत सारी फिल्म्स में भी नहीं देखने को मिलती, इतनी कहानी जितनी आपने 5.5 मिनट में दिखा दी है. तो लेट्स होप, मैं तो आई एम जस्ट अ कैरेक्टर इन इट, एंड जैसा ये लोग डिसाइड करें अगर आगे कुछ करना है तो. अच्छा रुको, जब आपको मालूम पड़ा कि अक्षय सर भी है, तो क्या रिएक्शन था उस वक्त आपका, क्या क्या फीलिंग्स थे? हाउ डिड दिस हैपन, इफ यू कैन शेयर दिस थिंग. Nobody knows how it happened. I actually met Jani and Arvinder sir. Jani had seen me on Instagram. Yes. Jani spotted me on Instagram, and that's how we, like, he reached out to me and we met. And tab tak sirf inhone mujhe bataya tha ki ek project hai, ek gana hai, and this is a music video, and we wanted to be a part of it. And maine gana suna. एंड मुझे गाना ही उस दिन, लाइक हमने लाइट्स ऑफ कर दी थी उस रूम में एंड स्पीकर ऑन किया, एंड आई वाज लाइक बहुत अच्छा गाना है एंड आई वांट टू डू दिस. एंड तब तक वाज इट डिसाइडेड कि अक्षय सर हैं? तब तक नहीं, उसके तब तक आई थिंक दे आल्सो डिडंट नो कि अक्षय सर कर. या सो देन आई मीन ऑफ कोर्स अक्षय सर वाज देयर फर्स्ट बिगेस्ट चॉइस, बट आई थिंक तब तक उनका कंफर्मेशन नहीं आया होगा. And they were looking for a girl. And then जब मुझे उसके बाद कॉल आया था, पहले तो कि आप हो इसमें, आई गॉट रियली हैप्पी. देन वेन दे टोल्ड मी दिस, टू बी ऑनेस्ट अक्षय सर का तो आई डेंट बिलीव इट टिल द टाइम आई रीच्ड द सेट. आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज दैट द फर्स्ट डे ऑफ शूट वॉज द फर्स्ट टाइम आई एवर मेट हिम. लाइक आई हैव नेवर इवन बम्प्ड इनटू हिम एट अ पार्टी और अ स्क्रीनिंग, नेवर एवर. सो दैट वॉज द फर्स्ट डे आई मेट हिम. That was the point when I realized कि हाँ ये हो रहा है, and yeah, I अभी भी मुझे believe नहीं हो पा रहा है. अच्छा, आप लोग दोनों से जानना चाहूँगा कि जब song लिख रहे थे उस वक्त का mind में था कि अक्षय सर और नूपुरी होगी कि कोई और था? नहीं भाई, उसके बाद ये song तो हमने बहुत पहले बनाया हुआ था, एक साल पहले बनाया था ये. तो जब हम लिखा था तो फिर पहले cast हम कुछ और सोच रहे थे, फिर हमने अजीम है हमारे दोस्त हैं धर्मा से ना, उनको सुनाया, फिर उनकी वजह से बहुत चीज़ें हुई. हाँ, अजीम की वजह से बहुत चीज़ें हुई, अजीम ने ही ये सारा कुछ प्लान किया. तो हमने ये कभी नहीं सोचा था, सोच सकते नहीं थे कि अक्षय पाजी के साथ कभी ज़िंदगी में काम करेंगे, तो कभी नहीं सोचा था गाना लिखते वक्त. अजीम का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, बहुत बड़ा हाथ है. मैं भी इनसे अजीम के थ्रू मिली हूँ. हाँ, मैं पहले अजीम से मिली थी, एंड आई थिंक इनको मेंशन किया हुआ था और आपने भी मेंशन किया हुआ था अबाउट मी, एंड देन इट हैपेंड. बिकॉज हमें लगता था ना कि अक्षय पाजी की तो ज़रूरत, उनको ज़रूरत नहीं है करने की, पर उन्होंने किया हमारे लिए, मतलब इस ज़िंदगी में इससे बड़ी बात नहीं. सॉन्ग भेजे फटे से रिस्पांस मिला कि ये कुछ दिनों बाद ही. अक्षय पाजी को गाना बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद गाना. मैंने केसरी की शूट पे सुनाया था उनको, तेरी मिट्टी में शूट जब करने गया था तब उनको मैंने सुनाया था थोड़ा सा.
and he loved the song. फिर उसके बाद से उन्होंने फिर उसके बहुत देर बाद रिस्पांस दिया, कहते भी मतलब वो खुद बैठे हैं कॉन्सेप्ट पे कि ये होना चाहिए, नहीं नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. बहुत ज़्यादा हमारी सीटिंग्स के बाद ये जो हमने आपको पेश किया है तो वो निकली है चीज़. आपके दोनों जो गाने बड़े पछताव के हैं फिलहाल, मतलब सिंगल्स आते रहते हैं, अभी तो सिंगल्स का तो ऑफिस से शुरू हो गया, लेकिन जो एक स्टोरी जो एक होती है वो दो चार मिनट में जो कहानी बतानी है तो भले पछताव के फिलहाल हो, एक बड़ी टचिंग और इमोशनल स्टोरी है. सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट, बिकॉज़ ये आजकल सिंगल्स बन जाते हैं, बना देते हैं लोग, कोई ना स्टोरी ना कुछ, लेकिन ये एक स्टोरी का भी चैलेंजिंग पार्ट पूरा करना, व्हाट यू वांट टू से अबाउट. ये हमें लगता, मुझे लगता है कि ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे डायरेक्टर अरविंदर खैरा को, बिकॉज वो उनकी चीज़ें हैं सारी. मैं गाना लिखता हूँ, ये बनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं, गाते हैं, वो उसके पीछे फिर उनकी उनका हार्डवर्क होता है कि क्या होना चाहिए, कि एक तीन मिनट में या चार मिनट में तुम्हें एक पूरी फिल्म दिखनी चाहिए. सो ये सारा वो मास्टरमाइंड वही है, उनका थैंक्स है उस चीज़. एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड डायरेक्टर्स ओवर देयर. सो मन भरिया किस्मत पछताओगे एंड आप पंजाब के गाने बोलो तो उन्होंने किए हैं सारे, हमारी टीम. Hopefully soon. I'm actually glad that I took my time to do my first also, because मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा first जो भी step होगा industry में will be opposite a superstar. And honestly, I think patience pays well. And I want to wait for the right, I'm going to pick up the right thing, that's it. So you haven't signed anything official? I haven't locked anything yet, not signed anything yet. But yeah, I'm in talks with a few people. Like a lot of people have approached me after the song for the performance and stuff. And I'm just glad, but I'm going to take my call aram se. I don't want to rush into it, because this career for me, it's about longevity. I don't want to just jump into it. I want to be there. What are the tips that you got from Kriti, मतलब being a protective sister, what's a मतलब होता है guide जैसे होता है कि ये कर ला ये नहीं कर ला, what was that? So उसने मुझे पहले बहुत guide किया हुआ है, जब पहले इस फिलहाल से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो आई थी. She used to be like, Nupur, are you sure, like you know, just be sure that you want to do something, and you just do something that you are 100% feeling for, otherwise यू नो सोसाइटल प्रेशर, या आपसे लोग पूछते रहते हैं, या इसका ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है. बहुत बार हम कुछ चीज़ें कर लेते हैं जो हमको लगता है कि नहीं यार, मुझे इससे बेटर डिजर्व करती हूँ, बट टाइम की वजह से हम ये कर लेते हैं. सो शी वॉज ऑलवेज देयर इन दैट सेंस, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड अबाउट दैट, दैट शी वॉज देयर. जब भी आई यूज़ टू गेट अ लिटल स्ट्रेस्ड, और आई यूज़ टू फील कि ये कर लेती हूँ, एंड इन माई हार्ट आई न्यू समवेयर आई शुडंट डू इट, शी वॉज देयर टू गाइड मी, शी वॉज देयर टू हेल्प मी टेक अ स्टेप बैक. But when this came in, that time though, it was like, for me, for her, it was like, oh, think ki, like, soch bhi mat, of course you should do it. And honestly, when I heard the song, I also got to know the story. I felt this, it's not just a song, yeah, there's so much, jaise aapne kaha ki story itni hai ki movie ki, yeah. I knew ki it's not just a song where I'll just be a pretty face. I wanted something more than that, and I wanted something where I can emote, and thank you guys for giving me. Last question. 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 तो किसी का भी बचपन से नहीं था. आई ऑल्सो लाइक कम्प्लीटेड माई स्टडीज़, एंड मम्मा हैड दिस थिंग दैट दोनों को जी मैट देना है, अच्छा स्कोर लेकर आना है, बिकॉज इट्स वैलिड फॉर 5 years. सो देन शी वाज लाइक ठीक है, फिर तुम्हें मैं बॉम्बे भेज सकती हूँ. सो कृति ने भी जी मैट दिया, आई ऑल्सो गेव जी मैट, गॉट गुड स्कोर्स एंड केम टू बॉम्बे. आई डिड, इन फैक्ट आई डिड अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन बॉम्बे, एंड वाइल आई वॉज डूइंग इट, there were one two people who approached me for acting, and at that point I was like, I don't know whether I want to do acting, I've never thought about it, but I in my life I've always been a person who likes to explore, like I've never planned things, I'm not a planner, I go with the flow, it's always been that. So I decided to do some workshops, because I wanted to see ki main kar bhi sakti hu ye ya nahi kar sakti hu, mujhe pasand aa raha hai ya nahi aa raha hai. And workshops karte time mujhe realize hua ki I like being in front of the camera, I like emoting, I like living
a character. I like living real emotions. So that's it. थैंक यू। क्या सॉरी जो सरप्राइज है वो सिंगल्स के थ्रू आएगा कि मूवी के थ्रू आएगा? सिंगल्स के थ्रू आएगा। Thank you so much. Sorry, I'm late. Okay, sorry. Thank you.